बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं आगाज़ और आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। अच्छा जी, अभी बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है तो सूरज आस्ता आस्ता तुलू होने की कोशिश कर रहा, बल्कि हो ही गया है तुलू, और मैं अपने जो रोज़मर्रा के मेरे रूटीन वाइज काम है वो कर रहा हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी, जानवरों के लिए चारा सुबह सुबह हम काट लेते हैं क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है। अभी भी हवा बिल्कुल रुकी हुई है तो गर्मी है, पसीना आया हुआ है मुझे। बहरहाल आज जो भी अपने रोज़मर्रा के मेरे रूटीन वाइज काम है वो इंशाल्लाह सब अपने बहन भाइयों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा जी, अभी तकरीबन टाइम जो है ना 8:30 हो गए हैं। अपने जो मेरे घर के काम का इतना जानवरों का चारा वगैरह बनाने के, जानवरों को छाँव में पानी पिलाकर छाँव में बांध आया हूँ और उसके बाद बच्चों को स्कूल छोड़ा है। स्कूल छोड़ने के बाद अभी मैं सीधा इधर आ गया था। ये जो मस्जिद का काम हमने कल का शुरू करवाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इनको कोई सीमेंट की ज़रूरत थी वो एक कट्टू जो है ना सीमेंट का इनको ला कर दिया। तो अभी ईंटें रात की तर नहीं हुई थी, वो मिस्त्री भाई कह रहे हैं कि वो भाई को बताया साथ है उसके ना सोलर प्लेट वाली मोटर लगी हुई है, उसने वो चलवाई है वो जाकर, तो अभी पानी आ जाता खाली में तो ईंटें जो है ना वो तार होती हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये अपना काम शुरू करते हैं। बाकी रक्षे वाले भाई को मैंने बताया हुआ है वो भी आज ईंटें लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह जो जो भी सूरत हाल होगी ये भी मैं अपने बहन भाइयों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो काइंडली मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ये आप देख सकते हैं जी, कल माशाल्लाह ये साइडों वाली दीवारें जो थी ये पर्तियाँ ये बना ली थी, और आज जो है ना ये जो फ्रंट वाली दीवार है ये ऊपर उठानी है। अल्लाह ताला खैर करे, तकरीबन 9-10 फुट इसको ऊपर लेकर जाना है, फिर इसके ऊपर जो है ना वो छत हमने डालनी है और रक्षे वाले भाई पीछे लेकर पहुँच जाएंगे। इधर रेता बहुत है, बड़ी मुश्किल से जो है ना रक्षा इधर आता है। ये अब देखें कितनी स्पीड से वो आया है, लेकिन ना बड़ी मुश्किल से इधर पहुँचा है। और गालबन पानी भी आ ही गया है, और ये ईंटें जो पहले एक जो है ना वो एक पहले ईंटें इधर फेंक गए थे, अभी दूसरा जो है ना फेरा वो लेकर आया भाई रक्षे वाला, इसको वैसे ही जो है ना ऊपर उठा दिया इसने। ये ना थोड़ी सी ईंटें जो है ना वो उतारना आसान हो जाती है इस तरह, और पानी भी आप देख सकते हैं खाली में पहुँच जाए। आगे से रक्षा उठाया और सारी जो है वो खाली के अंदर आ गया। और ये सीमेंट मसाला जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने तैयार कर लिया है। बाकी ये आप कबूतर देखें माशाल्लाह, ये पता नहीं किधर से आकर इधर बैठ गए हैं। मस्जिद है तो खैर ये पहले ही कहीं इधर रह रहे बैठे हुए आकर, और भाई मुस्ता पीछे से पानी जो है ना वो बंद करवा कर आए हैं क्योंकि खाली का पानी जो है ना वो फुल हो गई है, ईंटें तकरीबन तर हो ही गई हैं। पर ठीक है मुर्दा पानी इन्ना चलो ठीक है भाई, मुर्दा उनको कह रहे हैं मजदूर भाई को कि बस ईंटें उठाओ और शुरू करें काम। अल्लाह का नाम लेकर भी काम शुरू करने लगे हैं, मसाला भी इन्होंने तैयार कर लिया सीमेंट का, और बाकी जो थी पानी वगैरह लगाने वाला वो भी काम कर लिया। मैं तो इन कबूतरों से हैरान हूँ कि ये पता नहीं किधर से आ गए हैं। बड़ी बात है जी, मस्जिदों में अक्सर जो है ना हम कबूतर देखते हैं, और ये देखें अभी पहला कल का दिन है, हमने मस्जिद का नाम रख कर इसको शुरू किया तो कबूतर आ भी गए हैं इधर, तो ये इंशाल्लाह इधर ही रहेंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना, ये इधर ही रहेंगे। हवा माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, ठंडी ठंडी
बारिश नहीं आ रही, बस अल्लाह ताला की दात एक बारिश दे देना। एक तो बड़ा नहर के पानी भी खुश्क है, नहरों में पानी बिल्कुल नहीं है, और जो डीजल जो हम अपनी फसलों को पानी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डीजल भी नहीं मिल रहा बिल्कुल। इतनी कोई गवर्नमेंट ने कोई हल्ला मचाई हुई है ना, कोई समझ ही नहीं आ रही। ना मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए पेट्रोल मिलता है और ना ही डीजल। बड़ी परेशानी बनी हुई है जी, पता नहीं मुल्क का हालात क्या है। बाकी महंगाई इतनी है कि कुछ ना पूछें कि हर चीज़ को आग लगी हुई है। अभी तो खैर कोई कंट्रोल ही नहीं है, पहले तो खैर फिर भी जब इमरान खान की हुकूमत थी कुछ ना कुछ कंट्रोल नज़र आ रहा था, लेकिन जब से ये जो शरीफ बरादरान आए हैं उस वक्त से लेकर अभी तक कुछ भी जो है ना वो कंट्रोल किसी भी चीज़ पर नज़र नहीं आ रहा। हर कोई अपनी मन मर्जी से जो है ना वो काम चला रहा है, अपना दुकानदार या जो भी जिस जगह से भी कोई चीज़ लेने जाए ना वो अपनी मर्ज़ी से देता है, कोई उसका यानी कि एक मार्केट का एक रेट नहीं है। हर चीज़ को आप दुकानदार जो है ना अपनी मर्ज़ी से बेच रहा है, किसी ने लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो ना ले। सीधा साधा आगे से जवाब देते हैं, अगर लेनी है तो भाई ठीक है, नहीं लेनी तो जाएँ आप, हमारा टाइम ना ज़ाया करें। इस तरह के हालात जो है ना पाकिस्तान में बने हुए हैं, ख़ासकर इधर हमारे एरिए में तो इस तरह के हैं। बाकी के अल्लाह बेहतर जानता है जी क्या सूरत हाल है बाकी पाकिस्तान के शहरों में। मैं अभी भाई मुर्तजा से जो है ना इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि मैंने आज जाना है जी अपना कोर्ट में, मेरी एक पेशी है। 10 बजे का टाइम मुझे वकील साहब ने बताया हुआ था कि आपने उधर आना है 10 बजे, तो अभी 9:30 हो रहे हैं, तो मैं मोटरसाइकिल लेकर निकलता हूँ उधर कोर्ट की तरफ। तो भाई मुर्तजा से कहता हूँ, मुर्तजा मैनू भाई इजाज़त है। हाँ बस नहीं इंशाल्लाह ना, ये मेरा वीर सोचो ना अपनी निगरानी भी करांदा रहा मैं, चलो मेहरबानी मेहरबानी वीर। मैंने यार चार उत्थे लग जाना तकरीबन 12-1 बज जाना मैंने वापसी आंदे आंदे। हाँ तो खाने मैं थोड़ा रोटी का उन्होंने कह दिता, रोटी तो इंशाल्लाह दे जाएंगे, चाय भी दे जाते हैं हमने। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो ठीक है माशाल्लाह। काफ़ी खुश थी जिन्हें भी बस्ती वाले, हाँ बड़े खुश ने। हाँ जी हाँ जी यार, ना बड़ा यकीन कर रहा पूरी बस्ती वाले ना बड़े दुआवा भी बड़ी दे रहे हैं, जिस भाई के तम वाले काम चल रहे ना उन्होंने दुआवा भी बड़ी दे रहे हैं माशाल्लाह। तो ठीक है भी फिर मैंने ज्यादा था, तो ठीक है मेरे प्यारे बहन भाई, मैं भी आज अपनी वीडियो का बस इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि उधर कोर्ट में हो सकता है पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाए, तो आगे अपनी वीडियो बनती है या नहीं बनती, तो अपनी वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। और इंशाल्लाह जिसके मस्जिद के काम के कल वाली जो रूटीन है वो इंशाल्लाह कल वाली अपने व्लॉग में अपने बहन भाइयों से शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत शुक्रिया जी, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।